दोस्तों, तो मैं हूँ सुमन सिंह, आपकी दोस्त, और वेलकम करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल सपने भी सुमन में। तो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छी और स्पेशल जगह आए हैं दिल्ली के। ये प्लेस का नाम है चंपा गली। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ये लग रहा होगा चंपा गली, तो ये ना चंपा गली ये क्या नाम है, तो ये जगह भी बिल्कुल वैसी है। चंपा गली बहुत ही अच्छी और यूनिक जगह है। मे भी बहुत कम लोग को इस जगह के बारे में पता होगा, तो मैंने सोचा कि चलो यार, मेरे जो दोस्त हैं प्यारे प्यारे से, उनको भी एक अच्छी और नई और यूनिक सी जगह से रूबरू करवाते हैं, और अपने कैमरे की दुनिया से उनको दिल्ली के जो हाइट प्लेस है ना, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं या पता है, तो वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चंपा गली की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और ये साकेत दिल्ली में पड़ता है, और ये 7 डेज़ ओपन होता है, और इसकी टाइमिंग है सुबह के 11 से रात के 11 तक। और दोस्तों, यहाँ पे जाने का सबसे अच्छा टाइम होता है इवनिंग का, तो आप 4 बजे निकलेंगे तो आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चलता है विदाउट एनी कॉस्ट, आप किसी भी जहाँ पे आप लाइव म्यूज़िक चलता है आप वहाँ जाके सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ की खूबसूरती जो ना इन पेंटिंगों में है, मतलब ये पेंटिंग है, यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन है, लाइटिंग है, लोगों की भीड़ देखो, मतलब यंगेस्ट लोग हैं यहाँ पे, ये देखो फैमिली वाले हैं, मतलब हर तरह के लोग, मतलब जिनको पता है वो यहाँ पे आते हैं, जगमग ठेला लोकल, एकदम लोकल। तो यहाँ पे भी काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, कप्स वगैरह आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सब सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें तो मुझे महंगी लगी अकॉर्डिंग टू हमारे लोकल मार्केट का प्राइस जो था, उसमें डिफरेंस था, बट ठीक है, एक बार विजिट करना बनता है। यूनिक चीज़ें हैं, अच्छी है, प्राइस ना देखें, हर बार प्राइस देखना ज़रूरी नहीं। तो ये रेस्टोरेंट जो है, ये रेस्टोरेंट में हमें बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे जो स्लोगन लिखा हुआ था ना, ये आप देखना भी आने वाला है, ये देखो, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, मतलब इस टाइप की यूनिक चीज़ें, वाह, मतलब ये यहीं पे आपको मिल सकती है और कहीं नहीं, तेरे जैसा यार कहाँ, वाह। तो ये चीज़ें यहीं पे मिल सकती है एक दिल्ली के चंपा गली में, क्योंकि यहाँ पे गली बना दिया है, एक एरिया ही बना दिया है कि ऐसा यूनिक सा एरिया है कि यहाँ पे आप, मतलब जिधर बोलते ना, नज़र जिधर जिधर जाए उधर तू ही नज़र आए, तो बस वही है, जिधर जिधर नज़र आपकी जा रही थी, हमारी जा रही थी, वाह, वहाँ बस चीज़ें ही चीज़ें अच्छी। तो बस यहाँ पे यहाँ की खूबसूरती देखो, वाह, मतलब यहाँ पे जाओगे ना तो आपको आइडिया भी मिलेंगे कि आप ऐसे होम डेकोर कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जाके मुझे भी कुछ आइडिया मिला है, सच्ची बताऊँ, मैं आने वाले टाइम में मैं अपने घर पे इसको आजमाऊँगी, बहुत अच्छा लगा। और एक शॉप थी यहाँ पे, कैमरा ले जाना मना था, तो हम अंदर से विज़िट करके सिर्फ आ गए थे, तो यहाँ भी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें, मज़ा आया, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मज़ा आया। और यहाँ देखो, जहाँ पे आप जिस दीवार पे जाओ देखो वहाँ पे कलाकारी है आपकी, तो इसलिए अच्छा लगता है ये। तो फुल फोटो सेशन, फुल रील, फुल वीडियो बनाने की मस्त प्लेस, विद रेस्टोरेंट और विद लाइव म्यूज़िक। आप देखो जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे लोग ही लोग दिख रहे हैं, तो अच्छा है, ये ना किसी जगह है, ये देखो। तो एक बार तो विज़िट करना बनता है, विज़िट कीजिए, आप जाइए, बहुत मज़ा आएगा। मतलब दिमाग लगा के लोगों ने क्या डेकोरेशन किया, मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि हर एक रेस्टोरेंट वाला ये सोच रहा था कि शायद मेरा डेकोरेशन यूनिक होगा, मेरा डेकोर यूनिक होना चाहिए, तो ये इनके माइंड सेट में था, और उसके हिसाब से इन्होंने काम भी किया। और दोस्तों, मैं एक मज़े की बात यहाँ बता सकती हूँ कि अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पे खाना वाना नहीं खा सकते, अगर अलाउ नहीं करता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा, आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर रेस्टोरेंट ओनर कभी आपको मना नहीं करेगा कि यहाँ पे आप मत आइए या फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। तो सबसे अच्छी बात ये है, मैं एक स्पेशल चीज़ बता रही हूँ आपको, कि अगर आपको सिर्फ फ़ोटो के लिए जाना है, वीडियोस के लिए जाना है, या सिर्फ देखने के लिए जाना है कि भाई आखिर चंपा के लिए क्या है, तो आप जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपको खाने पीने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता दूँ। बाहर में खा पी सकते हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट देखो ना, कॉस्ट तो थोड़ा है, ठीक है, तो आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप खा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, सिर्फ मैं यंगस्टर से कहूँ कि जो सिर्फ यहाँ जा सकते सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए, सिर्फ फ़ोटो और वीडियोस के लिए, और एक बार देखने के लिए कि व्हाट इज़ द चंपा गली, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जगह है।
कसम से मतलब साढ़ा दिल आ गया इस जगह पे, इतना अच्छा लगा मुझे। और कोई खास कोई ख़ास महंगी डेकोरेशन भी नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ें से इन्होंने डेकोर कर रखा था इसको, काफ़ी देखो डेकोरेट कर रखा है ये दो। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, ये तो मैंने बहुत कम कवर किया है, तो आप वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो आर शॉप्स नेम इज़ पिज़्ज़ा एंड को। हम यहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा बनाते हैं, फ्रेश हैंड रोल, एंड वी हैव अ डो, सो वी मेक थ्री टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा, 9 inch, 12 inch एंड 14 inch, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वराइटीज ऑफ टॉपिंग। वी हैव वेज, वी हैव चिकन, वी हैव मटन, वी हैव प्रॉन्स, वी हैव लैम एंड वी हैव पोक ऑल्सो। सो आई रियली रिकमेंड टू जस्ट कम वंस एंड ट्राई, आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड इट वेरी डिलीशियस। मोस्ट वेलकम। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले थैंक यू आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए इस अमेजिंग सी जर्नी में। तो दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, और आपको ही मज़ा आएगा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो। और वैसे भी आप मेरे वीडियो में भी यहाँ की जो जर्नी है ना वो देख के अच्छा लग रहा होगा। आयो अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं जिस शॉप में हूँ, इस शॉप का नाम है पिज़्ज़ा एंड कोक। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत हम एक्चुअली बाहर वीडियो बना रहे थे, तो क्योंकि हमारा हो गया था बाइट और लास्ट बाइट हमारा बच गया था, तो हमने सोचा कि चलो बाहर शूट कर लेते हैं। पर इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आके वीडियो बना लीजिए, वीडियो शूट कर लीजिए। तो सबसे पहले थैंक यू इनका, और आपको मैंने दिखाया वो दिखा दें वहाँ पे, यहाँ पे पिज़्ज़ा किस तरह बन रहा है। पिज़्ज़ा ये वुडन फायर में ये पिज़्ज़ा यहाँ पे ये लोग बनाते हैं, हैंड टू हैंड, मतलब किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक चीज़ यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, तो मज़ा आया। तो दोस्तों पहले आपको मैं बता दूँ कि आप पे आ कैसे सकते हैं। तो दोस्तों ये पड़ता है, ये जो जगह है चंपा गली, ये पड़ता है साकेत में, और ये साकेत मेट्रो स्टेशन आप उतर सकते हैं। कहीं से भी आप आएँ साकेत मेट्रो स्टेशन उतरे, वहाँ से आप ऑटो लें, ऑटो करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। ऑटो वाला 40 rupees में आ जाएगा, 40 या 50 लेगा। अब वो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बगल में दिखा देना, ये बगल में यहाँ पे ही उतारता है, और यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है चंपा गली की जर्नी, जो कि बहुत ऐसे वाली है, तो समझ रहे हो, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।